हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम कर रहे हैं एक सीन, और ये सीन है मंगलसूत्र चोर, और ये है जो सीरीज है द फैमिली मैन का। और इस सीरीज में थे मनोज बाजपेयी एंड प्रिया मानी। तो और ये है अमेज़न प्राइम वीडियो की। तो फ्रेंड्स, इस सीन को देखने से पहले, यस, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस, इस तरह के हर वैरायटी के, आपको सीरियस भी मिलेंगे, फनी भी मिलेंगे, मूवी से रिलेटेड भी मिलेंगे। तो हर मतलब आपका जो भी टेस्ट है उसके रिएक्शंस आपको जरूर इस हमारे इस चैनल में मिलेंगे। तो अगर आपने बेल आइकन को क्लिक किया तो आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम इन वीडियोस को अपलोड करेंगे। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये जो दिखा रहे सीन मंगलसूत्र चोर, अगर आपको मजेदार लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इंजॉय कर सके। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा ये मंगलसूत्र चोर। तुमने ये कैसे मान लिया कि बच्चों को बस मुझे ही संभालना है? Why are you taking me for granted? यार, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है? तुम कभी मुझसे बात करोगे तो मैं समझूंगी ना। Why can't we have a proper conversation like a normal couple for once? अब इसको साइकोलॉजी मत घुसाओ यार। अब मेरी साइकोलॉजी इसके बीच में कहां से आ गई? मैंने कल तुमसे कुछ बात करना शुरू किया, तुम्हारा फोन बजा और तुम छोड़ के चले गए। वापस आके भी तुमने बात नहीं की। यार, सुची मेरी बात समझा। तुम्हें यही लगता होगा ना कि ये सुची का रोज का रोना है। If I ignore her, then everything will be back to normal. सुची, प्रेशर है, बाद में फोन करता हूँ। अबे वो ये मत करो। अरे साड़िया, अरे चल रे। गैप हो गया, बहुत ज्यादा फिट है, बहुत गैप हो गया। लेडी को लेडी रुकी नहीं चाहिए। वो मेरे मंगल सूत्र लेके आ गया। मेरी बीवी का, मेरी बीवी को चंदा आपके ऐसी बात करना पड़ता नहीं, देखिए कानों में जूं नहीं लगती। बस बस बस, क्या हुआ? थक गया यार, क्या हुआ? थक गया। कैसे चल रहे? तो फ्रेंड, बड़ा मजेदार था। और सच बताऊं, हमने ये सीन देखा था और जब हमने पहली बार ही देखा था तब भी हम बहुत हंसे थे, और अब जब खाली यही सीन देखा है तो भी बड़ा मजा आया देखने में। और ये जरूर बोलूंगी, अगर आपने ये नहीं देखी सीरीज, ये डेफिनेटली बहुत अच्छी सीरीज है। तो एक ही मेरे ख्याल से इसका सीजन आया है, और वो ही बात है जो मुझे बहुत वो नहीं गुस्सा दिलाती है कि भाई आपने आगे क्यों नहीं बनाया। तो हम लोगों ने अब पूरा वो देख लिया, पर उसके बाद अब हमें आगे का कुछ पता नहीं चल रहा। बट बहुत अच्छी स्टोरी जो है, जो चल रही है, बहुत मजेदार है। और ये सीन जो है, ये एक्चुअली में है कि जो मनोज वाजपेयी और उनके जो दोस्त है, ये दोनों जो है वो स्पेशल एजेंट्स टाइप है जो पता कर रहे हैं कि कौन इंडिया के अंदर आए हुए टेररिस्ट ग्रुप्स के लोग, और कौन इंडिया के ही हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं और टेरर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट और इस टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हैं।
तो इस सीन के अंदर उनको पता चलता है कि किसी ऑफिस में कोई 3 या 4 मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है वो लोग, उनको पता चलता है वो मिले हुए हैं कुछ करने होने वाला है ब्लास्ट या कुछ, और वो उनमें उसमें शामिल है। तो ये जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो ये दोनों मेरे ख्याल से जो है दोस्त मनोज वाजपेयी और उसका फ्रेंड, वो नीचे जैसे आपने देखा सीन में वो खड़े हैं और बाकियों को मेरे ख्याल से वो पकड़ लेते हैं, पर ये जो एक जो भागता हुआ बाहर निकल आता है। तो ये बड़ा मजेदार सीन था, वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है और यहाँ से वही कल्प्रिट जो है वो भागता हुआ निकल रहा है, और वो जब और क्या बहाना महाराज जी प्रेशर आ रहा है, तो वो भी बड़ा कमाल का है। आप ऐसी बात किसी और को नहीं बोल सकते, वाइफ को ही बोल सकते हो, राइट? तो वो वाइफ कितनी गुस्से में थी फिर भी, और हर बार वो जब बात करती है हमेशा यही प्रॉब्लम होती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है और वाइफ को नहीं पता कि ये ऐसे स्पेशल फोर्स के अंदर है, तो वाइफ को यही लगता है कि ये ऑफिस के कामों से बहानेबाजी कर रहे हैं और काम नहीं करना, घर का कंट्रीब्यूशन नहीं देना, इसलिए यू नो एक्सक्यूजेस बनाते हैं। तो वो वही बोलते हैं कि भैया मेरे को प्रेशर आ गया और बस बंद कर देते हैं। वाइफ यहाँ पे दुखी है और वो पीछे जो भागे, वाह मजा आ गया। मैं तो कह रही हूँ वो जो बना हुआ है गंदा आदमी जो भाग रहा था उसकी भी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, कमाल की एक्टिंग थी, जिस तरह भाग रहा और इवेंचुअली जब थक जाता है और जो वो बाइक के ऊपर बैठ के, मतलब वो आंटी जी को जो है लेडी को कैसे रोकते हैं, भैया आप सोच सकते हो कोई पुलिस वाला या जो कोई इतना टॉप फोर्स का आदमी हो, बेचारा हाथ जोड़ के कह रहा है भैया मुझे रुक जाओ। तो वो दिखाया वो रुकती है और उसको बोलते हैं कि वो मेरा मंगलसूत्र जो है वो लेके भाग गया। तो पहले तो उसे लगा होगा कि भैया तेरा मंगलसूत्र कहां से हो गया, क्या कहता है नहीं मेरी वाइफ का, और अगर नहीं मिला तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। कमाल का डायलॉग था। और जैसे जा रहे वो भाग रहा है, वो ये साथ में अपनी छोटी सी मोपेड टाइप जो स्कूटरी होती है उस पे चल रहे हैं और कह रहे भाग भाग मजा आ गया ना भाई, अब मजा आ रहा है क्योंकि खुद तो भागना नहीं पड़ा, पहले उनकी बजी हुई थी दोनों की, और अब वो भाग रहे हैं। और उसके बाद उसको कहते हैं, हस्बैंड ने बड़ा अच्छा बोला कि अरे तुझे जब दिख रहा है कि वो स्कूटर पे तेरा पीछा कर रहा है तो तू उधर का ही भाग जा, मैं तो कहूंगी उल्टा मुड़ ले, क्योंकि वो उल्टा तो जा ही नहीं सकते, रोड उस तरफ जा रही है, पर नहीं उससे भी भागना उधर है। तो वो लगता है अनाड़ी थोड़ा था तो पकड़ लिया उसके बाद, इवेंचुअली बड़ा मजेदार सीन था। और बेस्ट था उसका दो जो मनोज वाजपेयी का दोस्त, वो उससे खुद तो कुछ हो नहीं रहा, उसको कह रहा है तू भाग ले तू पकड़ ले, तो कहता मैं अकेले ही सब कुछ करूं तो तू किस काम का है। तो बहुत ही मतलब हर एक करेक्टर का जैसे उन्होंने एक्टिंग की, डायलॉग किया, सब जो था बहुत ही मजेदार था, बहुत ही फैंटास्टिक सीन बना, बिकॉज हर ने अपना परफॉर्मेंस जो है 100% दिया, इतना अच्छा दिया, मजा आ जाता है इसको देखने में। सो काफी अच्छा वीडियो था, देखेंगे द फैमिली मैन जो है उसमें डेफिनेटली दिखाते हैं कि रिसोर्सेज कम है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम है, उसके बावजूद कितने अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं इंटेलिजेंस से, कैसे दिमाग लगा के काम कर रहे हैं, कम पैसे में काम कर रहे हैं, जैसे मोटर जैसे आंटी जी को रोक लिया कम कैसे में, जुगाड़ लगा, बोल्ड है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, अपने विट से अपनी इंटेलिजेंस से काम कर रहे हैं, कम रिसोर्सेज में फिर भी काम चलता जा रहा है, और ऊपर से इसमें दिखाते हैं कि सैलरी उनकी कम है और वो मतलब घर से बाहर ही रहते हैं 24 घंटे, मतलब सुबह गए और रात को बहुत लेट आ रहे हैं, मतलब मैसिव अमाउंट ऑफ काम कर रहे हैं, 20 घंटे नहीं कह सकते मगर एटलीस्ट 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं, हस्बैंड नोट कर रहे थे हाँ, मतलब 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं और सैलरी काफ़ी कम मिल रही है, और वहाँ पे फैमिली लाइफ में थोड़ी टेंशन पैदा हो रही है क्योंकि आप घर में नहीं है तो फैमिली टेंशन पैदा होती है, और उनमें एबिलिटी है सब कुछ चेक, किसी का मतलब अपने वाइफ का फ़ोन नंबर भी चेक करवा सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, मतलब वो आपको देखना पड़ेगा, मगर ये अच्छा सीन था, इसमें कॉमेडी सीन था, उसमें दिखाते हैं कि मतलब रिसोर्सेज कम है, वो इस बात के भी मेरे ख्याल से बात कभी करते हैं कि कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा हो कि एक्सरसाइज काफ़ी हो, और जो है आप भाग रहे हैं और कैसे इंटेलिजेंस देखिए कि पहले रोक रहे हैं लोग रुकते नहीं, फिर लेडी जब रुकती हैं तो उनको मंगलसूत्र बोल देते हैं कि लेडी को लगेगा हाँ मंगलसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम इसकी वाइफ का मंगलसूत्र लेके मैं तुम्हें बचाती हूँ, फिर वो उन लेडी को अगर ये बोलते नहीं ऐसे क्रिमिनल पकड़ते बोलती जाए मेरी प्रॉब्लम है क्रिमिनल पकड़ना है, तो मतलब तो उसी वक्त ही मतलब उसी मोमेंट में प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना, सही
एक चीज करना जो लेडी जिससे हेल्प करने को राजी है और वहां तक लेके जाना, और कैसे उसको डिफेंड करना जब दूसरा बंदा बोल रहा है कौन सा मंगलसूत्र उसको मारपीट के करना। तो काफी मतलब अच्छी चीज थी और मजा आया। कॉमेडी थी थोड़ी, कॉमेडी इसलिए थी क्योंकि आपको ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि वो स्कूटर में बैठा एक ही तरफ भाग रहा है, उसमें इतनी है। अगर नॉर्मल इंसान होता, वो चोर होता, उसे इतनी खबर होती है, पीछे देखता कोई नहीं तो उधर भाग जाता या छलांग मार के उधर चले जाता, तो ऑब्वियसली वो एक तो वो कॉमेडी थी उस थोड़ी पॉइंट में, लोगों को अच्छा लगा कॉमेडी देख के तो। मगर सीरियल बहुत ही बढ़िया था, और जब लास्ट में उसका लास्ट पार्ट खत्म हुआ तो हमने कहा अच्छा नेक्स्ट सीजन देखे, हमने कहा अरे यार नेक्स्ट सीजन है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो लास्ट सीरियल होता है काफ़ी वो इंटेंस होता है क्योंकि वो सीजन की एंडिंग हो रही होती है, तो सीजन की एंडिंग जब हो रही तो बहुत इंटेंस होता है, उसके बाद आपको इमीडिएटली लगता है कि अच्छा मेरे को पता करना है उसके बाद क्या होगा, और तब सीरियल नहीं है। और ये मतलब ये जो अमेजोन कर रहा है, क्योंकि यूएस में तो ये सदियों से चला आ रहा है, सीजन वन सीजन टू सदियों से चला आ रहा है, एक सीजन खत्म होता है फिर जो ब्रेक आती है फिर वो दोबारा बनाते हैं, और ब्रेक जब एक जब सीजन खत्म होता है तो वो वेट करता है कि क्या आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं अगले सीजन का, अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं मुझे अगले सीजन का तो अब मैं आपसे पैसा लूंगा, बनाना शुरू करूंगा या अपने पैसे से बनाऊंगा और अल्टीमेटली आपको बेचूंगा जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, हर सीजन बेचा जाता है, तो अब सीजन बंद होगा अब ये बनाएंगे, उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जितना एक्सपेंसेस आएंगे उनका पैसा मिलेगा, वो बेच देंगे, उसके बाद आप जितना मर्जी दिखाइए जितना प्रॉफिट कमाना कमाइए, फिर आप बताइए आपको एक और सीजन चाहिए, हाँ तो आगे बनाएंगे। तो स्टोरी इस टाइप की फ्लूइड स्टोरी होती है कि आप उसे एक्सटेंड 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 कर सकते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे आप देखेंगे अमेजोन में सीजन वन उसका कुछ नहीं, सीजन वन कुछ नहीं, तो यह कि काफी सारों में आप सीजन टू में जाएंगे कुछ नहीं, तो सीजन टू में जब जाते हैं देखते हैं कुछ नहीं, इसका मतलब है कि अप्रूव हो चुका है सीजन टू और आएगा अभी, तो इसमें अप्रूव हो चुका है क्या? तो इसमें तो मैंने जो दो चार देखे थे जो मुझे अच्छे लगे थे उनमें जब मैं नेक्स्ट सीजन में गया तो उन्होंने क्लियर किया था हाँ नेक्स्ट सीजन अप्रूव हो गया आएगा। अच्छा, मगर सिर्फ ये है कि जब नेक्स्ट सीजन आता है तो फिर एक बोनस सीजन बनाते हैं या थोड़ा सा ट्रायल बताते हैं, उसमें रिफ्रेश करते हैं मेमोरी इंसान की पहले क्या होता है, क्योंकि कई बार तो एक एक साल का गैप आ जाता है कि एक सीजन खत्म हुआ एक साल का गैप है फिर दूसरा सीजन आ रहा है और फिर बंदा कहता है अरे मैं तो मोस्टली भूल चुका हूँ, मैं तो भूल जाते हूँ, तो फिर वो एक पहले बनाते हैं रिफ्रेशर काइंड ऑफ, वो रिफ्रेश समराइज करता है पहले क्या हुआ हुआ है और फिर वहां से सीजन शुरू होता है, तो काफी अच्छी बात है ऐसे हो रहा है। और देखिए इस मेथोडोलॉजी से कितने सारे एक्टर्स को जॉब्स मिल रही हैं, कितने सारे एक्टर्स हैं, कभी आपने देखा नहीं होगा मनोज बाजपेयी के अंडर जो काम कर रहे हैं, छोटे जो उनके जूनियर होते हैं जो काम कर रहे हैं उनको कोई जानता नहीं है, ऐसे कितने सारे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इतने सारे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं उनको काम नहीं मिल रहा था क्योंकि मूवीज में काम नहीं था उनके लिए, अब जो है क्योंकि इस टाइप के सीरियल आ रहे हैं वो ऑडिशन में जा रहे हैं जीत रहे हैं और उनका भी नाम हो रहा है, तो बहुत अच्छा है कि उन्होंने जो जॉब प्रोफाइल बढ़ा दिया है और लोगों को और मौका मिल रहा है इम्प्लॉयमेंट के लिए, कितने सारे लोग इसमें इम्प्लॉय होंगे, जो लेडी जो स्कूटर चला रही हैं, स्कूटर आ रहा है हर सेट वेट, कितना मतलब कुछ सो इम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी टेक्निक है। सिर्फ मेरी मेरे को यही लगता है इस पूरे सेटअप में कि एक पॉइंट ये कि गैप बड़ा होता है सीजन में, एक तो ये गड़बड़ा, दूसरा ये है कि जब ये सीजन खत्म होगा तो वो नॉर्मली उसी एक्टर को फिर कोई और रोल देते हैं किसी और सीजन में, मतलब किसी और सीरियल में, किसी और मतलब सीरियल में बेसिकली, तो ये आप लोगेंगे अच्छा ये एक्टर यहाँ काम कर रहा था अब यहाँ पे एक्ट कर रहा है किसी और रोल में, तो उसमें थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि यार ये एक्टर जो है जगह 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 डिफरेंट जाके दूसरे रोल कर रहा है, तो उसमें थोड़ा अजीब लगता है, मगर आप यूज टू हो जाते हैं इवेंचुअली कि हाँ भैया अल्टीमेटली इन्होंने टीम ऑफ एक्टर्स हायर किए हुए हैं, वो अभी कुछ बनाएंगे उसके बाद वही कंपनी जो है एक और बनाती है उसमें हर एक एक्टर कुछ और किरदार प्ले कर रहा है, तो आपको आदत हो जाती है इस बात की कि अरे वाह सिमिलर है, जैसे बोलेंगे मूवीज भी सिमिलर ही, आपने एक मूवी में काम किया फिर आपने दूसरी मूवी में काम किया, इसमें जो होता है क्योंकि सीरियल लंबे चलते हैं तो आप लगता है इतनी बड़ी स्टोरी अब खत्म हुई है चलिए अभी ये एक और कैरेक्टर में एक और स्टोरी में आ गए, सो काफी मतलब अच्छा लगा इस वीडियो को देख के, जबरदस्त था। यस फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार सीरीज है, मैं बता रही हूं आपको, हम लोग बहुत कम चीजों को बहुत अच्छा बोलते हैं, तो अगर आपने नहीं देखी जरूर देखो, चाहे एक ही सीजन है, बस इसी का इसका एक नेगेटिव यही है कि एक ही सीजन है पूरा आप स्टोरी नहीं पता चलेगी, तो हमारे इस तरह आप भी बैठ जाना और सोचना भी है उसके बाद देखने के बाद है ये कब आएगा नेक्स्ट सीजन, तो जैसे हस्बैंड कह रहे हैं जल्दी आना चाहिए, तो होप यही है क्योंकि जब तक ये आएगा मुझे भूल जाना है फिर मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा, तो मेरी जो मेमोरी है ना थोड़ी ऐसी है, खासकर जब क्योंकि इतना सारे आप देखते हो सीरियल्स मूवीज तो आपको याद नहीं रहता,
और अगर आपने नोट किया था तो बाहुबली का जो हमने अभी सीन किया था वो हेड कट वाला, तो उसमें मैंने कहा था मुझे याद ही नहीं है सीन, तो आपने कहा आपको कैसे याद नहीं है, ये तो इतनी अच्छा सीन था। तो मैं क्या करूं भाई, मैं इतनी मूवीज देखती हूँ, इतने सीरीज देखते हैं कि उसके बाद वो पीछे का भूल ही जाता है, मेरा ये हाल होता है। तो मुझे इसलिए जो सीरीज होती है मैं वही कहती हूँ हस्बैंड को, भैया जिसका फुल हो तो मुझे दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। पर ये मैंने ही खुद ही चूज कर ली थी, वो बाय चांस आप लोगों को सुन के आप लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप देखो ये अच्छी होगी, तो मैंने कहा चलो मैं इसका एक सीन देख लेती हूँ। तो जब मैंने सीन देखा मुझे बहुत पसंद आया, मैंने लगाया और लगा के देखने लग गई, हस्बैंड आए, उन्होंने सीन देखा, वो भी बैठ गए और उसके बाद हमने पूरी वो सीजन देखा। तो रिकमेंडेशन हमारी तरफ से है कि अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली देखो, और ये सीन प्रूफ इनफ है कि ऐसे आपको काफी सीन्स मिलेंगे इस जो सीरीज में, हंसी मजाक भी इसके साथ है तो बड़ा मजेदार है। तो चलो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपको भी मजा आया हमारे साथ ये सीन देखने में, हंसे होगे आप भी खूब। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।